दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे हिंदी फैक्ट चैनल में। चीन से लौटते ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दिया पहला बड़ा बयान, दुनिया हैरान। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के दौरे पर भारत ने लगाया बैन। मालदीव की औकात दिखाने के लिए अचानक से यूक्रेन प्रकट हुआ, एक ही धमाके से मचा दिया तहलका। दुनिया में मची सनसनी, मालदीव के माफी और गिटगिटाने के बाद भी इंडिया बेहद गुस्से में, नए बयान से हिला दी मालदीव की पूरी सरकार। दोस्तों, चीन से लौटते ही मालदीव के नए राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान देकर पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। इस बयान को सुनकर तीन और इंडिया के कान खड़े हो गए हैं, इसे हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इसी बीच मालदीव को उसकी औकात दिखाने के लिए यूक्रेन प्रकट हो गया। इंडिया को लेकर यूक्रेन का नया बयान पूरी दुनिया में टहलका मचा रहा है, और मालदीव का राष्ट्रपति यह बयान सुन लेगा तो वह चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। वहीं दूसरी तरफ मालदीव को भारत की कंपनियों ने ठेंगा दिखाकर बहुत बड़ा झटका दे दिया। भारत की इस कंपनी का बयान सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे, लेकिन मालदीव और चीन पूरी तरह हिल जाएंगे। आपको बता दें, मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सऊदी अरब को अपना माई बाप मानता है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब का भारत भगवान बन चुका है, क्योंकि इस वक्त उसका तेल कहीं और बिक नहीं रहा है। ऐसे में सऊदी अरब चाहता है कि भारत उसका तेल खरीदे और उसकी आर्थिक व्यवस्था को बर्बाद होने से बचाए। इसके लिए वह मालदीव को छोड़कर भारत को बड़ा डिस्काउंट दे रहा है और भारत के मंत्रियों को मदीना की सैर कर रहा है। तो जरा आप सोचिए, मुसलमान का सबसे खतरनाक देश भारत के सामने झुक गया, तो मालदीव किस खेत की मूली है? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन के अंदर घुसकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा कि हमें भारत के बढ़ते प्रभाव से डर लग रहा है, प्लीज बचा लो। इस तरह की बातें बोलते हुए मुइज्जू को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि वह मालदीव का सबसे बड़ा मक्कार है और भारत का सबसे बड़ा गद्दार। उसने एक ही झटके में भारत के सारे एहसानों को भूला कर रख दिया। और इतना ही नहीं, चीन से लौट के बाद मुइज्जू के तेवर बदलते हुए दिख रहे हैं। उसने एक बड़ा विस्फोटक बयान देते हुए कहा कि हम अपने देश में भारी हस्तक्षेप में दृढ़ता से विरोध करेंगे। माना जा रहा है उन्होंने यह बयान भारत को खुश करने के लिए दिया है, क्योंकि मालदीव को पता है कि भारत ने उसके टूरिज्म को बड़े दृढ़ता से खत्म करना शुरू कर दिया है। चीन से वापस आकर वह भारत को बताना चाहता है कि वह अपने देश में चीन को भी नहीं घुसने देंगे। वह भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी को बताना चाहता है कि अगर भारत के सैनिकों को मालदीव से बाहर निकल गया, तो चीनी सैनिकों को भी यहां घुसने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसे सुनते ही भारत ने मालदीव राष्ट्रपति के खिलाफ बैन ठोक दिया। यह भी खबर तेजी से वायरल हो रही है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन ने भारत को लेकर जो बयान दिया, उसे मालदीव के राष्ट्रपति को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना सही होगा। जो अभी यूक्रेन बोल रहा है, वह बात कुछ महीने के बाद मालदीव का राष्ट्रपति भी बोलेगा। दोस्तों, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत की कंपनी ईज माई ट्रिप में मालदीव की सारी फ्लाइटें हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दी, जिससे मालदीव के टूरिज्म में बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके बाद मालदीव के टूरिज्म के कर्मचारियों ने भारत को लेटर लिखकर माफी मांगने की कोशिश की गई, और उन्होंने भारत की कंपनी से आग्रह किया कि वह दोबारा से बुकिंग चालू कर दें। लेकिन अब भारत की कंपनी ने साफ मना कर दिया कि अगर आप हमारे देश के खिलाफ एक शब्द भी बोलोगे तो हम तुम्हारे टूरिज्म का सारा धंधा चौपट कर देंगे। और अब आप इस बात को ध्यान से सुनिए, कंपनी ने नए बयान में आगे क्या कहा। आज आप भी अपने आप पर भारत के होने के ऊपर गर्व करेंगे, क्योंकि कंपनी ने आगे कहा कि हमें पैसों से ज्यादा हमारे राष्ट्र की इज्जत चाहिए। भारत की इस कंपनी के बयान के बाद में पूरे देश में इस कंपनी की सराहना की जा रही है। भारत की कंपनी द्वारा दिया गया बयान मालदीव को 100 सालों तक याद रहेगा। मालदीव के द्वारा माफी मांगने पर कंपनी ने कहा कि हम ऐसे ही बैठे नहीं रहेंगे, हमने आपका सारा टूरिज्म तबाह करने का पूरा इरादा कर लिया है। आप हमारे पीएम मोदी और भारत के ऊपर आपत्तिजनक बातें कहते रहेंगे और हम हाथों पर हाथ धरे क्या बैठे रहे, इसलिए हम अब आपके टूरिज्म को, भारत से आने वाली फ्लो को पूरी तरह बंद करते हैं। इसके बाद मालदीव को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं मालदीव की तरफ से लगातार भारत के लिए माफी लेटर आ रहे हैं। मालदीव के टूरिज्म कर्मचारी भारत से माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि हमें माफ कर दो, हमारे धंधे को चौपट ना करो, प्लीज हम आपसे आग्रह करते हैं, हमारे देश के लिए अपने टूरिज्म को चालू करने की आग्रह करें। लेकिन अब भारत किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है।
इसके बाद मालदीव के लोगों में डर बैठ गया है। मालदीव के लोगों में अब चल रहा है कि अगर मालदीव में भारत की टूरिज्म नहीं आए तो भारत धीरे धीरे मालदीव में होने वाले एक्सपोर्ट में भी बैन लगा देगा, क्योंकि मालदीव के लोग खाने से लेकर दवाइयों तक के लिए भारत पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर भारत में उनका विरोध होता है तो वह कहीं के नहीं रहेंगे। भारतीय पर्यटकों के मालदीव न जाने से पहले से ही उनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं। उन्हें केवल भारत से दुश्मनी चाहिए और चीन की गुलामी, इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति को भारत से दुश्मनी करना बड़ा महंगा पड़ा है। लेकिन अगर वह अब भी नहीं माने तो उनकी सरकार मालदीव से पूरी तरह खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। भारत के साथ कूटनीतिक तनाव से नाराज मालदीव के आम लोगों ने अपने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को आईना दिखाने का काम किया है। माले मेयर पद के लिए हुए चुनाव में भारत समर्थक मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP ने बड़ी जीत हासिल की है। माले मेयर का पद मुइज्जू के इस्तीफे के बाद ही खाली हुआ था। उन्होंने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए यह पद छोड़ दिया था। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह की पार्टी MDP के प्रत्याशी आदम अजीम मेयर चुने गए हैं। मालदीव मीडिया ने अजीम की जीत को बड़े अंतर से जीत और लैंडस्लाइड करार दिया है। मालदीव के सन ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के मुताबिक सोलिह को राष्ट्रपति चुनाव में मुइज्जू से हार मिली थी। इस हार के मिलने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति के पसीने छूट उठे हैं। अब वह लगातार भारत के खिलाफ प्यार वाली बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भारत इन प्यारी बातों में नहीं फंसाने वाला। जो मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत के साथ किया है वह अब मालदीव को भी मिलने जा रहा है। लेकिन भाई, यूक्रेन भारत से कितनी दूर मौजूद है तभी भारत की मदद मांग रहा है, क्योंकि रूस ने उसे मार मार कर पूरी तरह तबाह कर दिया है और अमेरिका ने यूक्रेन को रात भर में छोड़कर उसके साथ बड़ी नाइंसाफी कर दी है। उसके बाद यूक्रेन भारत से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो, रूस अब हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो फिर मालदीप भारत के मदद के बिना कैसे जिंदा रह पाएगा? जब मालदीप को चीन का कर्ज सताएगा तो उसे भारत की एक बार याद जरूर आएगी। वहीं यूक्रेन ने कहा कि रूसी हमले की वजह से हमारी पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत यूक्रेन को मदद देगा या नहीं? इस वीडियो के कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने प्यार से चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।